रावण एक्स बॉय के लिए बना रहा हूँ। तेरे से भाई एक बात पूछना है कि तू इतने जो अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है, क्या ये तेरी फैमिली ने सिखाए, तेरे मम्मी पापा ने सिखाए हैं? एक बंदा जिसका एक्सीडेंट हो गया है, जिसको मतलब वहाँ पे वो ही जानता होगा कि इस पर क्या गुजर रही है, और तू उसके ऊपर वीडियोज़ बना रहा है, उसके ऊपर व्यूज़ बटोर रहा है, चैनल मोनेटाइज कर रहा है, मतलब चाहता क्या है, क्या जताना चाहता है, क्या बताना चाहता है? और ऊपर से तू जे एस फिल्म भाई एंड जो भी सुपर खालसा हैं उनको तू साथ में टैग करके ये जता रहा है कि तू बड़का यूट्यूबर बन गया है। थोड़ी सी शर्म कर ले भाई, मुँह छुपा के। तेरे मुँह में क्या कालिख लगा हुआ है? किसी ने काला पोत दिया है जो तू मुँह छुपा रहा है, या कुछ गंदा काम करके आया हुआ है? थोड़ा सा शर्म कर ले भाई मेरे भाई, थोड़ी सी शर्म करो। और किसी के लिए दुआ नहीं कर सकते हो ना, उसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, प्रे नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट बुरा भी मत बोलो यार। उनकी फैमिली जब ये वीडियो देखती होगी या उनके फ्रेंड्स देखते होंगे, जैसे जे एस फिल्म भाई एंड सुपर खालसा भाई ने देखा, तो बुरा लगता है यार। मैं उनका फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन एटलीस्ट एक इंसानियत के नाते मैं ये चीज़ बता रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि थोड़ी शर्म करो, थोड़ी मर्यादा में रहकर बोलो। क्योंकि देखो, तुम्हारी अपनी यूट्यूब की दुकान तुम्हें चलानी है तो कि तुम किसी की ज़िंदगी या किसी के लाइफ के बारे में डिसाइड तो नहीं कर सकते ना। अगर ये दुकान तुम्हें लंबे टाइम तक चलानी है, तो अपने कंट्रोल में रहकर बोलो रावण एक्सपर्ट। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ।